देश दुनिया की सबसे सटीक खबरों के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। दिल्ली के चुनाव भाजपा और आपके लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। दिल्ली में आपके पास देश का सबसे बड़ा बहुमत है और विपक्षी पार्टियां इस बहुमत को इस बार तोड़ना चाहती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें 5 साल पहले किए गए कोई भी वादे याद नहीं है और उन्हें वादे याद दिलाओ तो उन्हें गुस्सा आता है। दिया था नहीं दिया था आप लोगों ने भाई? जोर से बोलो, दिया था नहीं दिया था? और उन्होंने कुछ वादे किए। केजरीवाल जी को वादे याद नहीं है, अभी वादे पूते हैं, उनको गुस्सा आता है। मगर मैं आज उनको वादे याद कराने आया हूं केजरीवाल जी, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जब फिर से जाते हो ना तो जनता हिसाब मांगती है, हिसाब मांगती है। 2019 के चुनाव में जब हम गए तो हम भी हमारा हिसाब किताब लेकर गए। मोदी जी ने 5 साल तक देश के लिए जो करा उसका हिसाब लेकर हम गए थे। अब आपके 5 साल समाप्त हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा था कि हम 1000 नए स्कूल बनाएंगे, जरा एड्रेस दिल्ली की जनता को दे दीजिए। आप मुझे बताओ भाई, आपके यहाँ नए स्कूल बने हैं क्या? जोर से बोलो, बने हैं? 20 कॉलेज बनाने का कहा था, एक भी कॉलेज खुली है? 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कहा था। मैं पूछना चाहता हूं, 15 लाख सीसीटीवी कैमरा कहाँ है भाई? 15-20 हजार लगाए और फोटो खिंचवा दी केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता सब जानती। 5000 डीटीसी की बसें लाने का वादा किया था, 300 लाकर थक गए। इसके बाद 8 लाख युवाओं को नई नौकरी देंगे, जो अस्थाई कर्मचारी है उसको परमानेंट करेंगे। ये सारे अस्थाई कर्मचारी बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, एक भी परमानेंट नहीं हुआ। क्या गृह मंत्री ने केजरीवाल के कामों के बारे में सच कहा है? कमेंट्स में बताइएगा जरूर। इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।